नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाए। बहरहाल यूसीसी के मसले पर हम समझिए कि इसके खिलाफ हैं, और अगर इसको लाने की कोशिश की जाएगी तो इस पर रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे CAA NRC पर रिएक्शन आया था। इसको हम कतन मुसलमान मुल्क के समझिए कि मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स 26 तारीख पर्यंत থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। আমরা সত্যি কথা বলছি, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে, তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। আমার মসজিদ কো তোড়কর মন্দির বানা দিয়া গিয়া, উস ওয়াক্ত মে হো সকতা হ্যায় কোই মুসলিম শাসক হো, কোই মুসলিম জজ হো, ইয়া মুসলিম শাসন আ যায়, কুছ নি কাহা যা সকতা, ক্যা ফির বদল হো সকতা হ্যায়। তো ক্যা উস হিস্টরি কি বুনিয়াদ পে ইস মন্দির কো তোড়কর মসজিদ নহীং বানাই জায়েগি। হামারে নওজওয়ান কল খড়ে হো জায়ে और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राज। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए।